तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम सेम रहती है। देखिए मैम, पिछले सेमेस्टर में भी इसका स्कोर कोई बहुत अच्छा नहीं था, और इस सेमेस्टर में भी मैथ्स में 20 में से 13, साइंस में 20 में से 14, क्या है ये सब? इम्प्रूवमेंट कहाँ है? मैम, इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है ऐसा नहीं कह सकते। आप इससे पूछिए, जिन सम्स को सॉल्व करने में ये दो दो घंटे बिता देती थी, अब ये विद इन टाइम करने लग गई है। अरे वो शेखर जी की बेटी आदिति हर सेमेस्टर में 90+ स्कोर करती है, वो इतनी फास्ट कैसे है? उसे भी तो आप ही पढ़ाती है ना? जी मैम, हर बच्चे की अपनी एक स्पीड होती है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए ये सब बहाने ना आप मुझे मत बताइए, मुझे इसके मार्क्स चाहिए, बस मार्क्स, तभी आपको आपकी सैलरी मिलेगी। मैम मुझे मेरी बहन की फीस देनी होती है मैम, और मेरे अलावा कोई और है नहीं अर्न करने वाला। और मैम आपने तो लास्ट मंथ भी मेरी सैलरी नहीं दी थी। अगर बच्चों के मार्क्स ठीक से नहीं ला सकती तो पढ़ाती क्यों है आप? देखिए इस मंथ के सेमेस्टर में मुझे इसके 90+ मार्क्स चाहिए, तभी आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी, समझी आप? वरना आपका इस सोसाइटी में आना बंद और सारी ट्यूशन भी आपके हाथ से। मैम ठीक है, कल मिलते हैं, और आज जो मैंने सम्स करवाए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहें। यस मैम, बाय बाय। बाय बाय। एक मिनट रुकिए मैम। जी आपको पता है आपकी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हुई है पूरी सोसाइटी के सामने? लगभग सभी बच्चों ने 90% स्कोर किया है, और आदित्य ने तो 99% किया है, और हमारी बेटी का स्कोर? देखिए मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो मैं आपको सोसाइटी में एंटर नहीं करने दूंगी। मैम आपकी बेटी एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है मैम, और इम्प्रूवमेंट तो हुई है ना, 90s में नहीं आए तो क्या हुआ, 60% से 80% मार्क्स आए उसके, क्या फायदा उसका? कॉलेज में एडमिशन तो 90% वालों को मिलता है ना। जी मैम, आपने उसका फ्यूचर तो खराब कर ही दिया है। अब आप जाइए यहाँ से, और दोबारा इस सोसाइटी में आने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही अब मैं आपकी कोई सैलरी दूंगी, समझी आप? मैम मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम, मैंने इस सैलरी के भरोसे ही अपनी बहन की पढ़ाई के लिए लोगों से उधार लिया है मैम। मैम आगे से आप बेशक मत बुलाइए, बट अभी तक का प्लीज क्लियर कर दीजिए मैम। देखो मुझे वो सब कुछ नहीं सुनना, अब आप जाइए यहाँ से, प्लीज आप जाइए। मेरा बहुत आप जाइए यहाँ से। ये हैं तुम्हारे नए ट्यूटर निखिल सर। हेलो बेटा। हेलो सर। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है सर। तो इतने कम मार्क्स क्यों हैं फिर तुम्हारे? मतलब मेरे साथ पढ़ना होगा तो मिनिमम 90% तो लाना ही होगा, नहीं तो सब बच्चे तुम्हें फेलियर बोलेंगे। 90%? अब मुझे पूरी तसल्ली है कि आप मार्क्स की इंपॉर्टेंस जानते हैं, और आई एम श्योर कि मेरी बेटी सिया अगर आपसे पढ़ेगी तो 90% रीच तो कर ही लेगी। अरे क्यों नहीं लाएगी मैम, बिल्कुल लाएगी, आखिरकार कंपटीशन ही इतना है, सक्सेस नहीं करेगी तो सब इसे फेलियर बोलेंगे, है ना बेटा? यस सर। बेटा तुमने खाना नहीं खाना आज? नहीं मम्मा। सब ठीक तो है? कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आप मेरी पढ़ाई को लेकर कितनी परेशान हैं,
मैं भी चाहती हूँ कि और बच्चों की तरह मैं भी 90% लाकर आपको प्राउड फील कराऊं। बट ट्रस्ट मी मम्मा, मैंने पूरी कोशिश की। जब तक ऋचा मैम थी वो मुझे मोटिवेट करती थी। बट सॉरी मम्मा, मैंने आपको हमेशा निराश किया है। शायद मैं एक ब्राइट स्टूडेंट बन ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई समटाइम्स आई फील आई शुड एंड माई लाइफ। हेलो हेलो, ऋचा मैम जी बोलिए। मैं सिया की मम्मी। हाँ मैम। ऋचा मैम, मेरी बेटी बहुत मेंटल प्रेशर से गुजर रही है। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपकी बात को समझ ही नहीं पाई और अपनी बेटी को दूसरे बच्चों से कंपेयर करती रही। मैंने आपके साथ भी बहुत बुरा किया। आपकी मेहनत से कमाई हुई ट्यूशन फीस तक आपको नहीं दी। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। और प्लीज प्लीज मेरी बेटी को फिर से पढ़ाने आ जाइए आप। जी मैम। मैम आप परेशान मत होइए, मैं कल जरूर आऊंगी। डोंट वरी मैम, सिया को मोटिवेट करने के लिए आप और मैं दोनों ही हैं। थैंक यू सो मच।